कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। बच्चे संक्रमित हुए तो माँ बाप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने जा रही है। देश के बड़े डॉक्टरों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अनके स्कूलों के खुलने की उम्मीदें कम दिख रही है। सरकार का कहना है कि वो कोरोना के कारण कोई जल्दबाजी नहीं करेगी, बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जाएगा। मतलब तीसरी लहर तो तय आएगी ही, लेकिन खतरा क्या है? खतरा बच्चों को है। जी हाँ, कोरोना वायरस के बदलते रूप वाला कातिल हाथ हर गुजरते वक्त के साथ बच्चों की ओर बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों से तय होता है कि कोरोना अब बच्चों की ओर बढ़ रहा है। मैं स्कूलों की वजह से कोरोना में 3 गुना मामले बढ़े, शॉकिंग रिपोर्ट। वो खबर सामने आई थी और अब दौसा से 345 बच्चों को कोविड का मामला सामने आता हुआ दिख रहा है। विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया था कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा बच्चों पर असर करेगी। तो राजस्थान से मामले सामने आने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में तीसरी लहर दस्तक दे रही है।